नमस्कार, खमागणी, राम राम सा। मैं महावीर सिंह राजपुरोहित हमेशा की तरह आप लोग लेके आयु एक नई प्रॉपर्टी। आज हम आए हैं पाल रोड पे साईं बाबा टेंपल के बैक साइड में। वहां से आपको वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर जो आप मेरे पीछे हाउस देख रहे हैं ये रहेगा 40x60 के डायमेंशन के अंदर। ये आपको लेविस हाउस मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी आपको JD अप्रूव मिलेगी और इसके फ्रंट के आगे आपको आपको 30 फीट की रोड मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैं इसके एलिवेशन की बात करूँ तो एलिवेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मॉडर्न एलिवेशन मिलने वाला है जिसके अंदर जोधपुरी स्टोन ACP आप काफी सुंदर यहाँ पे आपको वर्क देखने को मिलेगा। और उसके बाद में ये आगे रैंप के अंदर यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का काफी अच्छा काम हो रखा है। और जो मेन डोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आयरन का। यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको आयरन का गेट मिलने वाला है। और उसके बाद में ये रहेगा 12x18 साइज के अंदर यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको पार्किंग मिलने वाली है। इस हाउस की दो एंट्री रहेगी, एक जाएगी लॉबी के अंदर और एक जाएगी ड्रॉइंग रूम के अंदर। तो चलिए मैं आपको ड्रॉइंग रूम से एक्सेस दिखाता हूँ। और जो ये आप देख सकते हैं आपको जो गार्डन एरिया है ये रहेगा आपका 14x7 साइज के अंदर। आप देख सकते हैं ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ ड्रॉइंग रूम की साइड चलेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी हैवी क्वालिटी के अंदर यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं मेन डोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक के साथ में आपको ये सारी की सारी फिटिंग मिलने वाली है। उसके बाद में ये आ गए इसके ड्रॉइंग रूम के अंदर। ड्रॉइंग रूम आप देखिए 11.5x12 साइज के अंदर काफी अच्छी साइज के अंदर यहाँ पर आपको ड्रॉइंग रूम का प्रोविजन मिलेगा। यहाँ पर आपको सोफे का प्रोविजन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर और देख सकते हैं बैक के अंदर काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पर आपको सोफे का प्रोविजन मिलेगा। पूरे घर के अंदर जो फॉल सीलिंग है वो आपको एकदम डिसेंट और एकदम यूनिक मिलने वाली है। सारे के सारे फैंस हैं वो आपको ब्रांडेड मिलने वाले हैं, या तो मिलेंगे गोल्ड मेडल के या मिलेंगे हेवल्स के। ड्रॉइंग रूम के बाद में जो आप पार्टीशन वर्क देख सकते हैं ये आपको वुडन का काफी अच्छा काम हो रखा है। बीच के अंदर यहाँ पर आपको ग्लास का डोर दे रखा है। और ये आ गए इसके लॉबी के अंदर। लॉबी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 28.5x16 साइज के अंदर काफी बड़ी साइज के अंदर ये आप देख सकते हैं लॉबी मिलने वाली है, जिसके अंदर लॉबी के अंदर भी यहाँ आप देख सकते हैं सोफे का प्रोविजन दे रखा है। यहाँ पर आपको सेंटर टेबल काफी यूनिक और काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये रहेगा आपका पूरा टीवी पैनल और काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पर आपके टीवी इंस्टॉल मिलेगी। और सबसे पहले जो मैंने आपको गेट बताया था जो लॉबी के अंदर है वो रहेगा इस लॉबी के अंदर से आपको एक्सेस। अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले पूजा रूम भी आप देख सकते हैं ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छी यहां पे आपको वॉल डेकोरेटिव होकी मिलेगी। ये रहेगा इसका पूजा रूम। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसका डाइनिंग एरिया है वो ये देख सकते हैं। ये रहेगा इसका डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सुंदर और काफी डिसेंट आपको एकदम काफी यूनिक चीज देखने को मिलेगी। और ये रहेगा डुप्लेक्स हाउस। यहाँ पे आपको डुप्लेक्स सैंडलेयर का काफी अच्छा काम हो रखा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले किचन की तरफ जो कि लेडीज का सबसे फेवरेट पार्ट रहता है। और काफी लोग बोलते हैं कि मैं हमेशा यही लाइन क्यों बोलता हूँ क्योंकि किचन के अंदर ही लेडीज मैक्सिमम टाइम अपना यही स्पेंड करती है जो हाउस वाइफ होती है। ये किचन रहेगी 13x12 साइज के अंदर जिसके अंदर आप देख सकते हैं यू शेप के अंदर यहाँ पे आपको किचन टॉप मिलने वाला है। सारे के सारे टैंडम बॉक्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोजर मिलेंगे और काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर। और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको माइक्रोवेव और OTG का प्रोविजन दे रखा है वो रहेगा आपका ग्लेन ब्रांड का। नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं बास्केट का प्रोविजन दे रखा है। और फ्रंट के अंदर काफी बड़ी साइज के अंदर दो विंडो दे रखी है जो कि काफी अच्छी और काफी बेस्ट क्वालिटी के अंदर मिलने वाली है। उसके बाद में ये रहेगी आप देख सकते हैं चिमनी एरिया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटर मिलने वाला है। किचन के अंदर भी यहाँ पे आपको फैन का फॉल सीलिंग का काफी सुंदर काम हो रखा है। और अगर मैं इस पूरे घर की फेसिंग की बात करूं तो ये रहेगा घर आपका ईस्ट फेसिंग। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कटलरी सेक्शंस दे रखे हैं जिसके अंदर लाइट्स का काफी अच्छा काम हो रखा है। पूरे घर के अंदर जो भी आप सैनिटरी फिटिंग देख रहे हैं वो रहेगी आपके जैगवार ब्रांड की। मैं आपको आगे स्टोर रूम बताऊं तो स्टोर रूम भी आप देखिए ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर स्टोर रूम दे रखा है जिसके अंदर फुल हाइट तक यहाँ पे भी आपको टाइल्स का काम हो रखा है। और यहाँ दे रखी है एक एक्स्ट्रा सिंक ताकि अगर कभी आपके एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह हो तो उसको आप सेपरेट में धो सकते हो। और यहाँ आप सिर्फ जो भी आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है वो यहाँ पे आप वॉश कर सकते हो। पूरे घर के जो डोर्स आप देख सकते हो वीनियर फिनिशिंग के साथ में काफी अच्छी हाइट के अंदर ये सारे के सारे डोर्स रहेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम देखिए ये रहेगा 16.5x13 साइज के अंदर काफी किंग साइज के अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेडरूम मिलने वाला है जिसके अंदर देखिए आपको जो बैक पैनलिंग वर्क यहाँ पे आपको काफी सुंदर और काफी डिसेंट देखने को मिलेगा। ये 40x60 के साइज के अंदर काफी यूनिक और काफी बेस्ट क्वालिटी के अंदर ये पूरा का पूरा आपको हाउस मिलेगा। फुल हाइट तक की यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्डरोब का प्रोविजन दे रखा है। और वार्डरोब सारे के सारे आपको काफी अच्छे स्पेसियस और काफी यूनिक वार्डरोब मिलने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बुक शेल्फ्स का प्रोविजन दे रखा है। और ये आ गया मेरे फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं ड्रेसिंग एरिया भी ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर पीछे भी यहाँ पे आपको स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है। और उसके बाद में ऊपर भी आपको आप देख सकते हैं काफी अच्छी साइज के अंदर यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा। ये रहेगा मेरे फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं टीवी पैनल के पास में ये रहेगा यहाँ पे स्टडी टेबल और यहाँ पे आएगी एक विंडो। सारी की सारी घर के अंदर जो फिटिंग्स हो रखी है सारी की सारी आपको ब्रांडेड मिलेगी विद वारंटी के साथ में।
का जो अटैच वॉशरूम है वो ये रहेगा इस रूम का अटैच वॉशरूम, जिसके अंदर आप देख सकते हैं टाइल्स का काफी अच्छा काम हो रखा है। यहाँ पे फुल हाइट तक की यहाँ पे आपको टाइल्स का प्रोविजन दे रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट यहाँ पे आपको ये आपको शॉवर एरिया आ गया, ये आ गया आपको डेकोरेटिव आइटम्स, और सारे के सारे जो कमोड और सिंक है वो रहेंगे आपके सिंपोलो ब्रांड के, जो काफी बेस्ट क्वालिटी के अंदर टॉप ब्रांड्स के अंदर ये सिंपोलो ब्रांड आती है। ये रहेगी आपके सिंपोलो ब्रांड, और ये आगे आप देख सकते हैं सिंपोलो ब्रांड के आपके यहाँ पे वॉश बेसिन। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसका सेकंड मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का। चलिए ये रहेगा आप देख सकते हैं 16x13 साइज के अंदर, काफी बड़ी साइज के अंदर ये भी आपको आप देख सकते हैं आपको बेडरूम मिलने वाला है, जिसके अंदर ये आपको एक अलग थीम के अंदर ये पूरा का पूरा बेडरूम डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आप इसका बैक पैनलिंग वर्क देख सकते हैं, जो इसका पॉसिस वर्क है, जो इसकी मैट्रेसेस है सारे के सारे आपको ब्रांडेड मिलेंगे, और सारे के सारे यहाँ पे आपको जो मैट्रेसेस है वो मिलेंगे स्लीपवेल ब्रांड के। और यहाँ फ्रंट के अंदर आप देखिए ये रहेगा इसका वार्डरोब का एरिया, सारे के सारे जो वार्डरोब्स है आप देख सकते हैं ये भी आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ में काफी स्पेसियस ये आपको वार्डरोब्स मिलने वाले हैं। और उसके बाद में ये रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीवी पैनल, नीचे भी आपको स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इसका बैक एरिया है, वो बैक एरिया भी आप देखिए ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 फुट हाइट तक की यहाँ पे आपको टाइल्स का प्रोविजन दे रखा है, ऊपर यहाँ पे जंगले का काफी अच्छा काम हो रखा है, पूरे घर के अंदर जो कर्टेंस है कर्टेंस यहाँ पे आपको काफी बेस्ट क्वालिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं दिखाता हूँ जो इसका ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम एरिया है वो ये रहेगा इसका ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया के अंदर भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी साइज के अंदर यहाँ पे आपको ग्लास का प्रोविजन दे रखा है। ये रहेगा इसका वार्डरोब, वार्डरोब भी यहाँ पे आपको सारे के सारे स्पेसियस मिलने वाले हैं, और वॉशरूम के अंदर या ड्रेसिंग के अंदर भी यहाँ पे आपको एक एक फ्रेम का प्रोविजन दे रखा है। और जो ये वॉशरूम है ये रहेगा 10x5 साइज के अंदर, जो कि आप देखिए हर वॉशरूम के अंदर एक अलग थीम के साथ में यहाँ पे आपको टाइल्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, टाइल्स आप देख सकते हैं फुल हाइट तक की यहाँ पे आपको टाइल्स का प्रोविजन दे रखा है। ये रहेगा आप देख सकते हैं शॉवर एरिया, और ये रहेगा आपका कमोड, और यहाँ आ गया फ्रंट के अंदर वॉश बेसिन, सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग मिलेगी आपको जगुआर की, और जो कमोड और जो आपका वॉश बेसिन है वो रहेगा यहाँ पे आपका सिंपोलो ब्रांड का, जो यहाँ पे आपके टॉप ब्रांड्स के अंदर आता है। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जोधपुर या आसपास के किसी भी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खरीदना या बेचनी है तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम दे रखा है, जो आपको देख सकते हैं ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर मिलेगा। ये रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वॉश बेसिन एरिया, और ये रहेगा इसका कॉमन वॉशरूम, जो आप देख सकते हैं इसको पाउडर रूम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर भी फुल हाइट तक की यहाँ पे आपको टाइल्स का प्रोविजन दे रखा है। ये रहेगा आपका कमोड एरिया, और ये रहेगा इसका शॉवर एरिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे आपको 2 मास्टर बेडरूम, एक यहाँ पे आपको लॉबी और एक होम थिएटर का जो प्रोविजन दे रखा है। उसके बाद में अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो स्टेयर्स यहाँ पे आपको ग्रेनाइट की काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर मिलने वाली है, और जो रेलिंग है वो रहेगी आपकी ग्लास की, और ग्लास की रेलिंग भी ये आपको बेस्ट क्वालिटी के अंदर मिलने वाली है। और ये रहेगा लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं काफी बड़ी साइज के अंदर जो सैंडलर का काम हो रखा है। और उसके बाद में ये आ गए आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लोर की जो लॉबी एरिया है वो, ये लॉबी भी यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगी। जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको हर रूम या लॉबी के अंदर काफी यूनिक और काफी डिफरेंट मिलने वाली है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, सबसे पहले दिखाता हूं इस घर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो है होम थिएटर। चलिए ये रहेगा इस घर का आप देख सकते हैं आपको साउंड प्रूफ ये आपको होम थिएटर मिलने वाला है, जिसके अंदर देखिए ये रहेगा आपका सोफे का प्रोविजन दे रखा है, सिटिंग एरिया। अगर आप चाहते हैं तो इस रूम के अंदर यहाँ पे आप रिक्लाइनर भी लगवा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं फ्लोरिंग के अंदर ये भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। और ये रहेगा आप देख सकते हैं जो इसकी स्क्रीन है वो, यहाँ लग जाएगा आपका प्रोजेक्टर, और ये रहेगा आपका पूरा का पूरा फॉल सीलिंग। इसी के साथ में यहाँ पे आपको एक अटैच वॉशरूम भी दे रखा है। ये जो वॉशरूम है ये भी आपको 10x5 साइज के अंदर मिलने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा। ये रहेगा आपका शॉवर एरिया, कमोड एरिया, और ये वॉश बेसिन एरिया, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी ब्रांडेड। आपको लेके चलता हूं इस घर का जो थर्ड मास्टर बेडरूम है वो, सारे के सारे डोर्स आप देख सकते हैं आपको काफी बेस्ट क्वालिटी के अंदर ये डोर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में ये आ गए इसके जो थर्ड मास्टर बेडरूम के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं ये भी आपको काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप इसका बैक पैनलिंग वर्क इसके अंदर वुडन थीम के अंदर आप दे रखा है। फ्रंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी पैनल का काफी अच्छा काम हो रखा है, नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज का प्रोविजन दे रखा है। पूरे घर के अंदर जहां जहां एसी की रिक्वायरमेंट है सब जगह यहाँ पे आपको एसी के पॉइंट्स इंस्टॉल रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इस रूम का जो अटैच ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम है वो, ये रहेगा इसका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो वार्डरोब है सारे के सारे वार्डरोब्स यहाँ पे आपको सेंसर लाइट्स के साथ में काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ में आपको ये वार्डरोब्स रहेंगे, और ये आपको पूरा वॉक इन वार्डरोब मिलने वाला है। उसके बाद में ये आ गए इसके जो अटैच वॉशरूम के अंदर, जो कि 10x5 साइज के अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर फुल हाइट तक की टाइल्स मिलेगी। ये रहेगा आपका शॉवर एरिया, ये रहेगा आप देख सकते हैं कमोड, और जो हर रूम के अंदर जो वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है वो काफी यूनिक और काफी रिच मिलने वाला है। और ये रहेगा आप देख सकते हैं इसका वॉश मशीन
किचन एरिया, सारी की सारी फिटिंग में अगेन बता रहा हूँ यहाँ पे आपको ब्रांडेड मिलने वाली है। और अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग की बात करूँ तो वो रहेंगे आपके जीएम ब्रांड के। इसी के साथ में पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पीछे भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर आप देख सकते हैं स्पेस मिलने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये रहेगा आपका बैक एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका लास्ट, जो इस पूरे घर का जो मास्टर बेडरूम है वो। आइए, ये जो लास्ट मास्टर बेडरूम है ये आप देखिए, ये आपको काफी लेविस मिलने वाला है। जो पूरे घर के अंदर आप देखिए, ये आपको सबसे बेस्ट रूम मिलने वाला है। इस रूम के साथ में यहाँ पे आपको अटैच बालकनी मिलेगी और सारे घर के जो डोर्स के जो लॉक है वो रहेंगे आपके यूरोपा ब्रांड के। और आप हाइट देख सकते हैं, आपको 11 फीट की काफी अच्छी हाइट मिलने वाली है। जो इसकी फॉल सीलिंग है वो भी आपको काफी यूनिक मिलेगी। उसके बाद में ये रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ का आपका टीवी पैनल, और ये रहेगा इसका बेड देख सकते हैं। बेड का पीछे रहेगा पॉसिस वर्क, पॉसिस वर्क भी यहाँ पे आपको काफी डिसेंट और काफी प्लेन मिलेगा। डबल बेड यहाँ पे आपको ये बेड मिलने वाला है और यहाँ पे दे रखा है इसका सिटिंग एरिया। मैं दिखाता हूँ इस रूम का जो अटैच ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम एरिया है वो। आइए, ये रहेगा इसका ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर काफी स्पेशियस मिलने वाला है। और सारे के सारे यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोजर्स वार्डरोब्स मिलेंगे। और उसके साथ में ये रहेगा आपको काफी बड़ी साइज के अंदर ग्लास का प्रोविजन दे रखा है, या फ्रंट के अंदर विंडो बना रखी है। और उसके साथ में ये रहेगा इसका जो अटैच वॉशरूम है वो। ये वॉशरूम भी आप देखिए, ये भी आपको काफी अच्छी साइज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको फुल हाइट तक की टाइल्स और शॉवर एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बड़ी साइज के अंदर ये आपको पूरा का पूरा सेपरेट शॉवर मिलेगा। और ये आ जाएगा आपका डेकोरेटिव आइटम्स कुछ भी रखने के लिए। और ये रहेगा इसका कमोड एरिया। कमोड एरिया के पीछे आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर काफी अच्छा काम हो रखा है। और ये रहेगा यहाँ पे आपका सिंपोलो का जो टेबल टॉप है वो। और जो ग्लासे है वो ग्लास भी आपको यहाँ पे काफी यूनिक और काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इस रूम का जो अटैच बालकनी एरिया है वो। बालकनी भी यहाँ पे आपको काफी डिसेंट और काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ये आ गए आप देख सकते हैं इसके बालकनी के अंदर। ये बालकनी भी यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस और काफी बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे आपको टाइल्स का काम हो रखा है, अप डाउन यहाँ पे आपको लाइट्स का काम हो रखा है। लॉबी के अंदर से भी यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप ये डोर्स देखिए, डोर्स की जो डिजाइन है वो आपको काफी यूनिक और काफी प्रीमियम मिलने वाली है। जहां पे आपको ग्लास का काम हो रखा है आप देख सकते हैं काफी डिसेंट और काफी यूनिक मिलने वाला है। ये जो पूरा हाउस है ये रहेगा 40x60 साइज के अंदर, जो कि ईस्ट फेसिंग रहेगा। काफी यूनिक और काफी यहाँ पे आपको काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर ये हाउस रहने वाला है। अगर आप इस हाउस की विजिट करना चाहते हैं या आप इस हाउस को खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।